जय सोनेर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक्स की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको मशीन मैन्युफैक्चर ने दी है, अगर वो आपके पास नहीं है, मिस हो गई है या फिर उसमें कुछ वेरिएशन आ गया है, तो अगर वो वैल्यू आपके पास नहीं है और अगर आपको आपका ड्रिल बीट है, अगर यू ड्रिल है, सेंटर ड्रिल है, उसका अगर आपको ऑफसेट लेना है तो किस तरीके से लेंगे, उसी के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है हार्दिक, आप देख रहे हैं किस टेकर में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए बेल आइकन को हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप उसका ऑफसेट लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपका डायमीटर है उसको हम सभी टूल के जैसे एक्स लेते हैं उसी तरीके से उसको डायमीटर पहले करना है। डायमीटर करने के बाद आपको वो जो डायमीटर है वो मेज़र कर लेना है कि वो डायमीटर कितने का है, और उसके बाद आपको आपका जो ड्रिल बिट है उसको आपको वर्किंग स्टेशन के ऊपर लाना है। और आपका ये जो यू ड्रिल है उसका जो इंसर्ट है या फिर आपका कोई भी ड्रिल है उसका जो डायमीटर है उसको आपको आपका जो जॉब है उसके डायमीटर को टच करवाना है। तो भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद में MPG सिलेक्ट करके हम धीरे धीरे से हमारा जो ये ड्रिल है उसको नज़दीक लाते जाते हैं। एक बार इस तरीके से जब हमारा कागज़ लॉक हो जाता है उसके बाद में, मतलब कि हमारा जो डायमीटर और हमारा जो ड्रिल है वो दोनों जब कॉन्टेक्ट में आ जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो डायमीटर है वो डायमीटर और अपना जो यू ड्रिल या फिर ड्रिल का जो डायमीटर है उन दोनों का हमें टोटल कर लेना है और वो जो टोटल है वो एक्स की वैल्यू में डाल देना है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर आपको ऑफसेट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जियोमेट्री में जाना है और हमारा जो टूल नंबर है वो 5 नंबर है, तो हमें यहाँ पर 5 नंबर के ऊपर आ जाना है। और ये जो हमारा जॉब था उसका जो डायमीटर है वो 100 mm है और हमारा ये जो यू ड्रिल है वो 28 mm का है, तो हमें यहाँ पर लिखना है एक्स 128.0 और यहाँ पर हमें मेज़र कर लेना है। फिर से एक्स 128.0 और यहाँ पर हमें मेज़र कर लेना है। तो ये हो गया हमारा एक्स का ऑफसेट और यही हमारी हो गई अभी सेंटर वैल्यू। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं है तो आप उसका ऑफसेट भी ले सकते हो और वो किस तरीके से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही CNC मैकेनिकल प्रैक्टिकल के नॉलेज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दबाए बेल आइकन को, ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।